गांधी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। प्रियंका के काफिले में एक एम्बुलेंस फंस गई थी, प्रियंका ने दौड़कर रास्ता खुलवाया है। महाराजगंज कस्बे की ये घटना है जहां पर एम्बुलेंस की आवाज़ प्रियंका गांधी को सुनाई दे रही थी, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया क्योंकि इनके काफिले के बीच में वो एम्बुलेंस फंस गई थी। जैसे ही उनको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरती हैं और दौड़कर उन्होंने अपना जाम खुलवाया है। उसके बाद तब जाकर एम्बुलेंस आगे बढ़ी है। प्रियंका की दरिया दिली, हालांकि सभी नेता को यह करना चाहिए और एक आम इंसान को भी, अगर एम्बुलेंस कही जा रही, लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। सौरभ शुक्ला इस वक्त जुड़े हैं। सौरभ, एम्बुलेंस को रास्ता दिया है प्रियंका गांधी जो इन्हीं के काफिले में फंस गई थी जाम में? जी राहुल, प्रियंका गांधी आपकी रायगढ़ दौरे के लिए दूसरे दिन के आज में दूसरे के दौरे पे थी महाराजगंज कस्बा रायबरेली जिले का, जहां पर वो नुक्कड़ सभा करने के बाद वहां दुकानदारों से मुलाकात कर रही थी। तभी उनके काफिले के साथ भीड़ में एम्बुलेंस पर जिसके ऊपर की आवाज सुनकर प्रियंका गांधी खुद दौड़ कर आई और पब्लिक को हटाते हुए एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। जी राहुल, चलिए शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरिया दिली दिखाई है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। रायबरेली से प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद देश प्रेम है।